लीवर को थोड़ा सा उसका नोट डाउन था जून तो लिखा होगा ना वो जिसमें क्या लगता है कि सर जो बुक पेपर में छोटे बच्चों को नहीं मिलेगा क्यों पता हुआ सर छोटे नहीं होगा छोटे बच्चों को। अब आप वो वाला जो दवाई आपने लिखी है उसमें आप मुझे दिखाइए कि एक साल से कम बच्चे का लिखा और उसमें ऐसा कौन सा केमिकल इसमें है वो उसमें नहीं आयुर्वेदिक प्रिपरेशन आयुर्वेदिक मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं समय समय पे हमारे डीएम्स एसडीएम्स और कमिश्नर भी औचक निरीक्षण करें और ये देखें कि जिनको काम करना है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बहुत पहले ही बायोमेट्रिक व्यवस्था के ऑर्डर्स भी हो गए थे तो आज महिला अस्पताल में देखने आया हूँ तो बायोमेट्रिक मशीन तो यहाँ पे काम नहीं कर रही है। दूसरा जो अटेंडेंस का भी तरीका है रोस्टर बनाने का भी तरीका है रोस्टर अप्रूव्ड नहीं है किसी के भी द्वारा रोस्टर मात्र व्हाट्सएप पे ही है जबकि वो पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए कौन डॉक्टर साहब हैं कौन डॉक्टर साहब नहीं हैं। और ये जो एक तरह से एनोमली है और भी जगह चल रही है कल द्वाराहाट के इंस्पेक्शन में भी इंस्पेक्शन तो नहीं एक शिकायत पर मुझे पता चला कि वहाँ पर रोस्टर इस प्रकार से बनाए जा रहे हैं कि एक डॉक्टर साहब मात्र 6-7 दिन की ही ड्यूटी कर रहे हैं महीने में और बाकी दिन या तो अस्पताल में नहीं है या कहीं और है। ये गलत तरीका है और इससे पब्लिक को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है तो उसमें भी मैंने डीएम अल्मोड़ा साहब से एक इंक्वायरी करवाई है कि पता लगाएं कि कौन कब से कितने दिन के लिए एब्सेंट था और बायोमेट्रिक व्यवस्था दोबारा सुचारू वहाँ पर कराई जाए उसके अनुसार ही सैलरी भी दी जाए। दूसरा इशू जो यहाँ पर महिला अस्पताल में है कि ये भी जब निर्देश हैं कि कोई बहुत ही इमरजेंसी की बात है तो अलग है हम बाहर की दवाई लिख सकते हैं अदरवाइज हम दवाई यहाँ की लिखें अगर अवेलेबल है तो आयरन सप्लीमेंट है आयरन सप्लीमेंट तो अस्पताल में है ही तो उसको बाहर से बिल्कुल भी नहीं लिखा जाना चाहिए जो कि लिखा जा रहा था। इसमें भी सीएमएस साहब से कहा है कि आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कॉल करें। दूसरा यहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई या अटैच्ड तो एक मामला ऐसा है जहाँ पे कि वो अटैच्ड थे उसके बाद उनको रामगढ़ जाना था अब वो यहाँ पे भी नहीं है रामगढ़ में भी नहीं है और कहाँ पे है किसी को पता भी नहीं ये व्यवस्था उचित नहीं है। और सीएमओ नैनीताल से भी मैंने कहा है डायरेक्टर हेल्थ से भी कहा है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाए कि इनको डेली पता रहे कौन एबसेंट है कौन प्रेजेंट है। दूसरी बात ये है कि छुट्टियों की आवश्यकता हो सकती है हर किसी की अपनी कोई इमरजेंसी हो सकती है उसके लिए रूल लीव्स अलाउड भी लेकिन किसी को पता ही ना हो कौन कहाँ है ये एक गलत चीज़ है और इसे ठीक होना चाहिए।